हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। तो आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लेके आया हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला है। क्या है ये नोटिफिकेशन, इसको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियोज़ में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो बात करते हैं यहाँ पे J&K बैंक में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो निकाली गई हैं, वो 390 वैकेंसीज जो हैं हमारे J&K में निकाली गई हैं। इसकी ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो रहने वाली है वो 29th ऑफ अगस्त से लेकर 12th ऑफ सेप्टेम्बर तक जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये दोनों डेट्स आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो कि आज से ये शुरू हो चुका है और आप 12th ऑफ सितंबर तक इसको जो है फिल कर सकते हैं अपने फॉर्म को। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो उसे अलग से बताया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, अभी तक उसका ये डेट जो है वो बताई नहीं गई है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 390, डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29th ऑफ अगस्त 2023 से लेकर 12th ऑफ सितंबर 2023 तक। अब बात करें ये वैकेंसीज़ हैं, इनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया गया और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या है कि आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे कि श्रीनगर की बात करें 42, गांधरबल 11, बारामूला 21, बांडीपुरा 8, अनंतनाग 20, कुलगाम 10, पुलवामा 16, शोपियाँ 9, बडगाम 17। उसी तरीके से पुंछ आप देख सकते हो, यहाँ पे 9 वैकेंसीज़ हैं। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप इन वैकेंसीज़ को जो है वो डिवाइड किया गया है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर बिगनर्स क्लासेस सर्च कर सकते हैं। बाकी आगे बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है वो ग्रेजुएशन रहने वाला है। आपके पास बैचलर्स डिग्री रहनी चाहिए किसी भी आपने डिसिप्लिन में की हो, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ यहाँ पे है वो है एज का फैक्टर, जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें 1 जनवरी 2023 को, तो आपकी जो मिनिमम एज रहनी चाहिए वो 20 ईयर्स और मैक्सिमम जो रहनी चाहिए वो 28 ईयर्स रहनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप जो है अगर हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब आपका जो एज यहाँ पर रहने वाला है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स रहने वाला है। बाकी एज रिलैक्सेशन जैसे कि SC ST OBC PWD के लिए वो अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 1 ईयर यहाँ पे हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह की, वो मैंने आपको बता दिया है क्या रिजर्वेशन रहने वाला है यहाँ पे। उसके अलावा पेपर की बात करें तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का पेपर 25 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस भी 25 होंगे। जनरल इंग्लिश के लिए भी सेम यहाँ पे क्वांटिटी, एक्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के लिए सब टोटल मिला के हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। तो टाइम यहाँ पे जो रहता है वो ओनली 1 आवर का रहता है। तो उसके अलावा जो बाकी की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस PDF में आपको मिल जाएगी, किस तरीके से आपने फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपना जो है इस फॉर्म को फिल कर सकें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।